दोस्तों मेरे पास आ चुका है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, ये वीडियो ना इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट्स पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा था और मैंने देखा यार ये टॉर्च लाइट इतना ज्यादा पावरफुल है क्या, फटाफट से मैंने इसको परचेस कर लिया है। और आज के इस वीडियो पे ना इसी टॉर्च लाइट का मैं आपको डिटेल्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूं। आखिर ये कैसा प्रोडक्ट है, बिल्ड क्वालिटी कैसा मिलता है, ब्राइटनेस कैसा है, मोड्स कितने मिलते हैं, बैटरी बैकअप कितना देखने को मिल जाता है और ये लेना वर्थ इट है या नहीं है, वो वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप भी बहुत दिनों से एक पावरफुल टॉर्च के सर्च पे थे ना तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है निमेश, चैनल पर पहली बार आए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पर काफी इंटरेस्टिंग गैजेट्स की वीडियोस आते रहती हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस कुछ इस तरीके का प्लास्टिक पैकेट आपको देखने को मिल जाएगा जिसको फटाफट से यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं और निकाल लेते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे इसको खोल लूंगा तो अच्छा है, इसके अंदर हमें एक बबल रैप भी देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर एक टेप लगा हुआ है और कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। चलो इसको निकाल लेते हैं। एंड गाइस ये रहा, आप देख सकते हो हमारा 4 LED सुपर ब्राइट टॉर्च लाइट कुछ इस तरीके के बॉक्स पे आ जाता है। तो चलो शुरू करते हैं इसके बॉक्स ओवरव्यू से। सबसे पहले आपको बॉक्स पे L19 इसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, USB चार्ज फ्लैश लाइट। नीचे आपको इस तरीके का डिजाइन मिलने वाला हमारे फ्लैश लाइट का, आप देख सकते हो बगल पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं, लाइक आप एडवेंचर पे इसे यूज कर सकते हो, फिशिंग पे, अपने काम के टाइम पे, घर पे, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड दूसरी तरफ आपको ना इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस मेंशन है, लाइक इसके अंदर जो आपको LED मिलता है वो मिलता है OSL प्लस COB लाइट, इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। लिथियम बैटरी के साथ आता है तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलना चाहिए और चार्ज भी काफी फास्ट होना चाहिए। इसके अंदर आपको हाई ब्राइटनेस देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर आपको चार्जिंग फंक्शन देखने को मिल जाएगा। ये एक रिचार्जेबल फ्लैश लाइट है। बॉक्स के साइड पे आपको इसके स्पेसिफिकेशंस नजर आ जाते हैं, लाइक इसके अंदर आपको जो मटेरियल मिलता है ना वो ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, वियर रेजिस्टेंट है, नॉन स्लिप है, हाई ब्राइटनेस OSL प्लस COB लाइट के यहां पे आपको सेटअप मिलता है, जो सर्विस लाइफ है ना वो अप टू 1 lakh hours यहां पे मेंशन किया हुआ है, यानी कि टॉर्च लाइट जो है काफी लंबे टाइम तक आपका साथ देने वाला है। बिल्ट इन लार्ज कैपेसिटी लिथियम बैटरी मिलता है, बैटरी इंडिकेटर फंक्शन भी है, USB चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट्स विद डेली लाइफ वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर हल्का फुल्का पानी का छींटा पड़ता है तो ये खराब नहीं होना चाहिए एंड इसको ना आउटडोर पर भी हल्के फुल्के बारिश पे आप यूज कर सकते हो। प्रिकॉशंस कुछ कुछ दिया हुआ है, बॉक्स के दूसरे साइड पे बिल्कुल सेम प्रिंट है एंड साइड पर आप देख सकते हो इसके 3 हाईलाइटेड फीचर्स नजर आएंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको 4 LED बल्ब का सेटअप मिलता है जिसको फ्लड लाइट बल्ब कहते हैं। टॉर्चेस भी बहुत तरीके के आते हैं, जैसे ये फ्लड लाइट है ना, यानी ये खड़े खड़े आप जलाओगे ना तो आपका एक वाइड एरिया को ये ब्राइट करता है, इसलिए इसको ना फ्लड लाइट कहते हैं। नीचे आपको कॉब लाइट भी मिल जाता है जिसको आप नाइट लैंप की तरह भी यूज कर सकते हो और इसके अंदर ना आपको बैटरी इंडिकेटर भी मिल जाएगा जो चार्जिंग के टाइम भी इंडिकेट करेगा कि कितना चार्ज हुआ है और जब यूज करते रहोगे तो बैटरी कितना डाउन हुआ है वो भी आप इस पे देख सकते हो। तो चलो गाइस अब इसके बॉक्स को यहां पे ओपन कर लेंगे। बॉक्स को ओपन करने के बाद ना सबसे पहले हमें यहां पे बबल रैप पे हमारा मेन जो टॉर्च लाइट है वो देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छे तरीके से इस पे पैक है, आते हैं इस पे बहुत जल्द। फिर गाइस बॉक्स के अंदर हमें दो और चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हमें USB-A to micro USB केबल मिलता है जिससे आप इस टॉर्च को चार्ज कर सकते हो। सिंपली आप बस इसे टॉर्च पे लगा दो और उसके बाद अपने कोई मोबाइल चार्जर से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, पावर बैंक से, किसी भी USB पोर्ट में लगा करके आप अपने टॉर्च को चार्ज कर सकते हो, जैसे कि कार चार्जर से भी आपके कार के अंदर ना ये चार्ज हो जाएगा। एंड दूसरा हमें ये रस्सी देखने को मिलता है लैनियार्ड की तरह जिसको आप टॉर्च पे बांध दोगे तो आप इसको टांग सकते हो या फिर हाथ पे घुसा करके पकड़ोगे तो आपके हाथ से ये गिरता नहीं है। तो ये रहा गाइस मेन हमारा टॉर्च लाइट, इसके अंदर पैक है, इसको निकालते हैं बाहर। और ये रहा गाइस काफी शानदार, काफी ज्यादा मतलब हट्टा कट्टा टॉर्च लाइट आप कह सकते हो, बिल्कुल ना बोल्ड टॉर्च आपको ये मिलता है। बहुत ही ज्यादा ना ये फैटी टॉर्च है, बहुत ही ज्यादा मोटा टॉर्च आप इसे कह सकते हो। आप जब हाथ पकड़ोगे तो देखो कुछ इस तरीके से ग्रिप मिलता है जिससे क्या होगा ना इस टॉर्च को यूज करने के टाइम आपके हाथ से फिसल के गिरने का डर नहीं है। तो सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। फ्रंट पे आपको ना यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है जिसपे आपका यहाँ पे बैटरी स्टेटस शो होगा, उसके नीचे आपको यहाँ पे मल्टीफंक्शनल पावर बटन मिल जाता है जिसको दबा करके आप इसके अलग अलग मोड्स पे स्विच कर सकते हो। नीचे आपको कॉब लाइट का सेटअप मिल जाता है जिसको आप नाइट लैंप की तरह यूज कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे टॉर्च पे कुछ भी नहीं है, राइट साइड पे आपको नीचे पे यहाँ पे एक होल दिया गया है जिसपे आप इसके रोप को बांध सकते हो। और बैक साइड पे आओगे तो बैक साइड पे आपको यहाँ पे रबर फ्लैप मिलता है जिसको आप हटाओगे ना तो इसके अंदर आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है जिससे आप केबल लगा करके इस टॉर्च को ना आप चार्ज कर सकते हो। एंड इस फ्लैप को वापस लगा दोगे ना तो ये हमारा जो चार्जिंग होल है ये बंद हो जाता है जिससे इसके अंदर ना पानी या फिर डस्ट नहीं आता है। बॉटम पे
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बॉटम मिल जाता है। और फ्रंट पे आप आओगे तो फ्रंट पे आपको यहाँ पे 4 LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है जो स्किन फ्रेंडली है, आप इसको पकड़ के काफी देर तक रख सकते हो, आपके हाथों पे कुछ भी ये अनइजीनेस फील नहीं कराएगा। एंड इसके वेट की बात करूं ना तो जितना ये मोटा दिख रहा है ना उतना ये भारी नहीं है, काफी ज्यादा लाइट वेट टॉर्च आपको मिलता है, तो बच्चे भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको लंबे टाइम तक पकड़ के यूज करो, आपको कोई भी थकान नहीं होने वाली है। एंड फ्रंट पे जो आपको ये सिल्वर कलर का पार्ट देखने को मिल रहा है ना, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन देख करके आपको दूर से लगेगा कि शायद ये एल्यूमिनियम का या फिर किसी टाइप के ना मेटल का बना हुआ है, लेकिन फुल इसका जो कंस्ट्रक्शन है फुल ये प्लास्टिक का बना हुआ है। एंड इसके हेड के पास यहाँ पे स्क्वायरिश डिजाइन दिया गया है, तो जब आप इसको यूज करोगे रख करके ना तो और टॉर्च पे क्या होता है राउंड वाले पे कि वो गुड़कने लगता है इस तरीके से, किसी साइड पे गिर जाता है टेबल से नीचे, लेकिन इस पे स्क्वायरी डिजाइन है ना तो जहां भी रखोगे बस वहीं पे ये रहने वाला है। तो चलो इसके रस्सी को इसके नीचे पे लगा देते हैं। तो लगाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इस रस्सी को बस हमें इसके होल से यहाँ पे पार कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको हमें एक लूप बना देना है, तो ये रस्सी हमारे टॉर्च लाइट के अंदर लग जाने वाला है, जिससे आप क्या है ना यूज करने के बाद इसको दीवार पे टांग सकते हो या फिर जब आप इसको यूज कर रहे हो कैंपिंग पे या फिर आउटडोर पे, तो इस तरीके से अपने हाथ को इस रस्सी पे डाल लो, तो उसके बाद आपका टॉर्च लाइट जो है वो नीचे नहीं गिरने वाला है, आपके हाथ पे अच्छे तरीके से फंसा रहेगा। एंड इसको पकड़ के यूज करने में भी आपको काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। तो अब आते हैं इस टॉर्च लाइट के फंक्शंस के ऊपर। तो इसके अंदर जो आपको सिंगल यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन मिलता है ना, उसको दबाते ही यहाँ पे हमारा टॉर्च लाइट सबसे हाई ब्राइटनेस पे जलने लगेगा, जैसे अभी ये चालू हो चुका है। एंड यहां पे ऑन होते ही आपको यहां पे ना बैटरी इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, 4 ब्लू इंडिकेटर्स यहां पे अभी फिलहाल ग्लो हो रहे हैं। सबसे बॉटम वाले का मतलब है 25% बैटरी, सेकंड वाले का मतलब है 50% बैटरी, 75% बैटरी एंड 100% बैटरी। अब करते हैं लेवल 2। लेवल 2 के लिए बस एक बार बटन दबाना है और यहां पे देखो अभी हाफ ब्राइटनेस पे जल रहा है, तभी ये फुल ब्राइटनेस पे जल रहा था, अभी ब्राइटनेस इसका हाफ हो चुका है। और अब इसके अंदर देखने को मिलता है एक SOS का फंक्शन, यानी कि अगर आपको किसी को कुछ सिग्नल भेजना है, दूर से आपको किसी को इंडिकेट करना है, तो बस आप बटन को तीसरी बार दबाओगे और यहां पे ना ये फ्लैश होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्लैशर की तरह यूज कर सकते हो, किसी को दूर से ना आप सिग्नल दे सकते हो, तो सामने से जब उसको पड़ेगा ना लाइट तब वो समझ जाएगा कि कुछ हजार्ड लाइट की तरह या फिर कोई इमरजेंसी सिग्नल देना चाह रहा है, तो उसके ये काम आने वाला है, जिसके अंदर आपको SOS का फीचर मिल जाता है। एंड अब इसके अंदर आपको फोर्थ मोड मिलता है जो है कॉब लाइट का फीचर। एक बार इसे दबाऊंगा तो यहां पे हमें नीचे वाला जो LED है ना ये ग्लो हो जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो रात पे रीडिंग के टाइम पे या फिर लाइट गया हुआ है 1-2 घंटे से, आपको पढ़ाई करना है या फिर किचन पे काम करना है, घर पे कुछ काम करना है, इसको आप जला दोगे तो इस तरीके से आपको इसके अंदर ब्राइटनेस मिलता है। एक काम करते हैं स्टूडियो के सारे लाइट्स ऑफ करते हैं और फिर दिखाता हूं कि स्टूडियो के अंदर ये कैसा लाइट देता है। तो पहले लाइट्स को ऑफ करते हैं, तो सारे लाइट्स यहां पे ऑफ हो चुके हैं। तो चलो टॉर्च को स्टार्ट करते हैं लेवल 1 पे, 3, 2, 1। तो देखो गाइज यहां पे मैंने टॉर्च को यहां पे लेवल 1 पे स्टार्ट कर रखा है और लेवल 1 पे अभी देखो इसको मैंने पकड़ रखा है, सीलिंग पे ये मार रहा हूं और उसका रिफ्लेक्शन यहां पे रूम को पूरा ग्लो कर दे रहा है। एक बार मैं खुद पे मारूंगा तो देखो कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा ब्राइट इसका LED यहां पे वर्क कर रहा है। तो देखो लेवल 2 पे मैंने कर दिया है, एंड लेवल 2 पे आप समझ के चलो कि इसके अंदर जो आपको ब्राइटनेस है ना वो बिल्कुल आधा हो जाता है। अब करते हैं इसका SOS वाला फीचर को ऑन। तो यहां पे देखो अभी मैंने इसको फ्लैश मोड पे कर रखा है और कुछ इस तरीके से इसका फ्लैश मोड जल रहा है। तो दूर से अगर आप किसी को सिग्नल दोगे तो कुछ इस तरीके से, तो आप इसको हजार लाइट की तरह, SOS लाइट की तरह, इमरजेंसी लाइट की तरह यूज कर सकते हो। एंड अब आते हैं फोर्थ मोड पर। तो देखो फोर्थ मोड पे मैं आ चुका हूं और इसका जो ये वाला आपको कॉब लाइट मिलता है यहां पे, मैं इसको हाथ पे पकड़ के देखो मूव करते जा रहा हूं, आपको आइडिया मिलेगा कि इसके अंदर आपको ब्राइटनेस कैसा मिलता है। तो मैं बोलूंगा काफी सफिशियंट ब्राइटनेस है, इसको आप इस तरीके से रख दो तो उसके बाद आप आराम से अपना ना यहाँ पे स्टडीज वर्क कर सकते हो, किचन पे अगर आपको कुछ काम करना है, बाहर पे आउटडोर कुछ काम करना है, अगर आप इसको कार पे रखते हो, कार कहीं पे पंचर हो गया, आपको बाहर स्टेपनी चेंज करना है, तो इसका लाइट काफी ज्यादा आपको ब्राइट मिल जाता है। तो चलो वापस से लाइट्स को ऑन करते हैं। तो ये तो था इसका इंडोर टेस्ट एंड काफी अच्छा मुझे इसका ब्राइटनेस लगा। चलो फटाफट से निकलते हैं बाहर और इसका ब्राइटनेस देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं कि हमें इसका रेंज कितने दूर तक मिलता है। तो गाइज अभी मैं बाहर हूँ और रात के 9:30 बज रहे हैं और चलो इसका मैं आपको लाइट टेस्ट यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेवल 1 पे इसको स्टार्ट करते हैं, ये रहा। तो सबसे मैक्सिमम ब्राइटनेस पे भी मैंने इसको चालू किया हुआ है और ये रहा इसका ब्राइटनेस। देखो इसका रेंज देखो आप, एक फ्लड लाइट है ना, तो इसको जब आप जलाओगे ना तो एक वाइड एरिया को ये कवर करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका रेंज। रेंज की बात करूँ पीछे जो आपको वॉल नज़र आ रहा है ना, मेरे यहाँ कैमरे से कम 60 से 70 मीटर के अराउंड है
और ये अच्छे से वहां तक जा रहा है और उसके आगे वाले घर पे जाएंगे तो आगे वाले बिल्डिंग के भी ऊपर यहाँ पे ये पहुंच पा रहा है और अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको ब्राइटनेस नजर आ रहा है। पेड़ देख लो नीचे का, यहाँ पे आप ये छोटे छोटे पॉट्स को देख सकते हो। यहाँ पे आप देख लो हनुमान जी का झंडा है, ऊपर में देखो यहाँ पे पपीता का पेड़ है, तो काफी अच्छा एक ब्राइटनेस इसके अंदर आपको मिलेगा और मैं जिधर भी इसको पॉइंट कर रहा हूँ ना उस एरिया को काफी अच्छे तरीके से लाइट अप कर दे रहा है। अब चलो इसको लो मोड पे चलाते हैं, तो ये इसका लो मोड है और लो मोड पे आपको ब्राइटनेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। रेंज पे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, देखो आगे वाले जो यहाँ पे बिल्डिंग है वहां तक आराम से पहुंच रहा है, ऊपर में आपको डिश एंटीना नजर आ रहा है। लो मोड पे भी आपको सफिशियंट एरिया जो है ना ये कवर कर ले रहा है। अब इसके फ्लैश मोड को ऑन करते हैं, तो फ्लैश मोड पे कुछ इस तरीके से ये फ्लैश करता है, जिस भी तरफ आप पॉइंट करोगे देखो काफी ज्यादा ब्राइट से ये फ्लैश कर रहा है ना, तो सामने वाले को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से एक सिग्नल मिलने वाला है। और अब इसका फोर्थ मोड पे आते हैं, फोर्थ मोड यहाँ पे ये ग्लो कर जाता है, इसके अंदर जो कॉब लाइट मिलता है और कॉब लाइट का ब्राइटनेस यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। कॉब लाइट भी यहाँ पे डिसेंट ब्राइटनेस दे रहा है, यहाँ पे वीडियो पे उतना अच्छे से तरीके से आपको पता नहीं चल रहा है बट मैं यहाँ पे अपने नेकेड आई से देख रहा हूँ ना, तो मेरा यहाँ जो आंगन है फ्रंट यार्ड है आराम से काफी अच्छे तरीके से मैं देख पा रहा हूँ नीचे का जो भी फ्लोर है। तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी आपको इसका रेंज टेस्ट कराता हूँ। अभी मेरे से यहाँ पे ना 100 फीट के दूर पे कुछ पेड़ है, तो यहाँ पे जैसे मैं टॉर्च को ऑन करूंगा तो देखो आपको हल्का हल्का यहाँ पे नजर आ रहा होगा लाइट जाते हुए, लेकिन मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ ना तो मुझे ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा है। वहां पे कुछ प्लास्टिक रखा हुआ है ब्लू कलर का देखो, और ये रहा नीचे वाला आप ग्राउंड एरिया को देखो, बहुत अच्छे तरीके से ना ये लाइट अप कर दे रहा है। तो रेंज के मामले में ना यहाँ पे डिसेंट आपको रेंज इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो इसको मैंने टेस्ट कर लिया है वीडियो बनाने से पहले। फुल चार्ज करने में इस पे लग जाता है 2 से 2.5 घंटे का टाइम अगर आप एक नॉर्मल चार्जर यूज करोगे, और जब आप इसको फुल ब्राइटनेस पे लगातार चलाओगे ना तो 1.5 घंटे तक का बैकअप मुझे इसके अंदर देखने को मिला है, और उसके बाद ना लास्ट वाला इंडिकेटर ग्लो करते करते फिर ये टॉर्च लाइट बंद हो गया है। तो काफी एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट मुझे लगा। हाँ बिल्ड क्वालिटी थोड़ा संभाल के यूज करना, प्लास्टिक का बना हुआ है, लाइट वेट है, तो ज्यादा जोर से गिरेगा तो शायद ये टूट सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक बटन को ठोक डालो। और क्या आप कोई और इंटरेस्टिंग टॉर्च लाइट की वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। इसको खरीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसे खरीद सकते हो। मैं आपको कुछ बेस्ट लिंक्स नीचे डाल दूंगा। शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।